इस वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में बताएंगे। किसी इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपको उठता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है। कोई भी समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, साथ में उनके अवकलस, उनके डेरिवेटिव हो, इस प्रकार की जो समीकरण होती है, इससे जो इक्वेशन आपकी बनती है उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे dy by dx plus xy is equal to cos x, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपके पास एक्स वाई भी हैं, ठीक है, उनके डेरिवेटिव जैसे ये हैं, यहाँ एक्स भी है, वाई भी है, उनके डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो इस प्रकार के जो समीकरण हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और उनके अवकलज विद्यमान हैं, उस समीकरण को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये कितनी प्रकार की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो नंबर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और नंबर दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। साधारण अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है ना, y और x का फंक्शन, तो उसमें जैसे dy वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ये आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ये सारी ऑर्डिनरी हैं, इसमें x और y है, x और y है और उनके डेरिवेटिव। यदि यही फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का होता, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, तो फिर उसमें अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, ठीक है, अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तथा उनका आंशिक जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं वो भी विद्यमान हो, तो ऐसी जो समीकरण आपकी है वो कहलाती है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा आंशिक अवकल गुणांक उनमें से किसी के भी सापेक्ष हों तो उसको आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये है x डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड वाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड, यहाँ जेड में दोनों चीज़ें हैं, x और y हैं, तो जेड का पार्शियल आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों विद्यमान हैं, ठीक है, तो इनका गुणांक तो कुछ भी एक्स गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर गुणा करें, जो भी करें, तो ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि उसको कितने बार हमने उसका डेरिवेटिव किया है, ठीक है, ऑर्डिनरी है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कितने बार उसका एक वेरिएबल के साथ किया है, और पार्शियल है तो दोनों वेरिएबल या एक वेरिएबल के सापेक्ष में कितने बार उसका अवकलन किया गया है, ये इसमें होता है। जैसे ये आपकी जो इक्वेशन है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स केवल एक बार इसका डेरिवेटिव किया है तो इसका ऑर्डर होगा एक, इसमें दो बार किया गया है डी टू वाई बाई डी एक्स को, तो इसका ऑर्डर होगा दो। यानी परिभाषा के रूप में आप ये कह सकते हैं अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलस, उच्चतम हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव
जो है वो उसकी कोटी कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट उच्चतम अवकलज की कोटी ही उस अवकल समीकरण की कोटी कहलाती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो इसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, डिग्री, डिग्री क्या है उसका, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। जैसे ये इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव समीकरण में डी टू वाई बाई डी एक्स के, इसकी पावर कितनी है, तीन, तो इसकी जो डिग्री है वो तीन हो। ठीक है, इसमें ये जो है कि ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन और रेडिकल इसको फ्री करने के बाद जो उसकी हाईएस्ट पावर है, उसकी घात है, उच्चतम जो उसकी घात है वो उसकी उसका जो है डिग्री कहलाती है। अवकल समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में परिमित तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाली उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है, जैसे ये है, ये इसमें आप देख रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का रूट, इसमें क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया तो इस फ्रैक्शन को हमें पहले, इसकी पावर फ्रैक्शन में है ना, वन बाई टू है इसकी पावर, तो इसको पहले हमें जमा करना है। तो हम ले सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का रूट, दोनों साइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो उच्चतम घात इसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, फिर उसके बाद उच्चतम घात जो है ना इसकी वो होगी इसकी ये डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स का इज इक्वल टू दिस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी उच्चतम घात दो हो गई और इसकी जो ऑर्डर है डी टू वाई बाई डी एक्स वो कितना हो गया, दो हो गया, तो इसकी जो कोटि भी दो है। ठीक है, और इसकी घात भी दो, इसका ऑर्डर भी दो हो गया और इसकी डिग्री भी दो हो गई। सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए अपना अगले उसमें बताएंगे। ठीक है, ये आपका